हर व्यक्ति की दिली तमन्ना होती है कि वह कम से कम एक बार दुनिया के महत्वपूर्ण स्थानों पर जरूर जाए। आप भी यही सोचते होंगे और सोचे भी क्यों ना। आज हर देश आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन अब भी कई स्थान ऐसे हैं जहां लोगों का पूरी तरह से जाना प्रतिबंधित है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में बात करेंगे जहाँ आप कभी भी नहीं जा सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। स्नेक आइलैंड ब्राजील। यह ब्राजील से सटा हुआ एक द्वीप है जहां 3000 से अधिक प्रकार के सांप निवास करते हैं। इस द्वीप को इतना खतरनाक माना जाता है कि ब्राजील सरकार ने आगंतुकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पूरे द्वीप पर एक भी मनुष्य का निवास स्थल नहीं है। रानी का बेडरूम, बकिंघम पैलेस, इंग्लैंड। बकिंघम पैलेस ने हमेशा से ही आम लोगों का स्वागत किया है और हजारों की संख्या में लोग बकिंघम पैलेस घूमने आते हैं, लेकिन बकिंघम पैलेस में ही स्थित रानी का बेडरूम आगंतुकों के पहुंच से पूरी तरह से बाहर है। भारी सुरक्षा वाले इस कक्ष को सबसे सुरक्षित कमरों में से एक माना जाता है। यह सुरक्षा 1982 के बाद और बढ़ा दी गई जब माइकल नामक एक व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगा कर बेडरूम में घुसने में सफल हो गया था। लास्कास की गुफाएं। फ्रांस में स्थित गुफा परिसर दुनिया के कुछ प्रागैतिहासिक चित्रों के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। 1940 में किशोरों के एक समूह द्वारा खोजे जाने के बाद यह स्थल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रत्येक दिन हजार से अधिक आगंतुक आया करते थे। लेकिन 1963 में यूनेस्को द्वारा इस विश्व धरोहर को जनता के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि सांस लेने, देखने वाले के पसीने तथा प्रकाश की उपस्थिति के कारण इन बहुमूल्य चित्रों को नुकसान पहुंच रहा था। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स। वेटिकन सिटी के दीवारों के भीतर छिपी हुई एक गहरी वेटिकन सीक्रेट अभिलेखागार है, जिसकी अनुमानित लंबाई 52 मील है। इस अभिलेखागार में हजारों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रहित हैं। इनकी फाइलों में वेटिकन और दुनिया के कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक आंकड़े जैसे मोजार्ट, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम और हिटलर के बीच पत्राचार शामिल हैं। यह अभिलेखागार पोप की निजी संपत्ति है जो आगंतुकों के लिए ऑफ द लिमिट है। महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता यहां जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 1939 के बाद से यहां के किसी भी दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उत्तरी प्रहरी द्वीप भारत। भारतीय तट से दूर उत्तरी प्रहरी द्वीप स्वदेशी प्रहरी लोगों का घर है, जो हमेशा से ही दुनिया के संपर्क से बचते आए हैं। भारत सरकार ने इन जनजातीय समूहों से बाहरी दुनिया के संपर्क स्थापित करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। 2006 में दो मछुआरे अवैध रूप से इस द्वीप के पास पहुंच गए और मारे गए। यदि आप भी प्रहरी द्वीप में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अभी कैंसिल कर दें। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए।